और ये शोविक भाई आ रहा है दौड़ते हुए, आंख दिखाता है मार। बस पहुंच गए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बैग में क्या है? चप्पल। हम सोचे तुम शॉपिंग किए कुछ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं टाकी। बस अभी आने वाले हैं हम लोग, अभी मेन रोड पे खड़े हैं न्यू टाउन के जो। तो बस अभी आ रहा है हमको लेने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टाकी पे और सामने ही बस को पार्क कर दिया है और वहाँ से पैदल आ गए हैं। ये जो रिसोर्ट आप देख रहे हैं, रूपोशी बंगला रिसोर्ट है और यहाँ पे सब खाना वाना हो रहा है। तो आइए खाने में क्या है दिखाते हैं। आइए। तो खाना बहुत ही बढ़िया बना है, दाल मखानी और बेबी नान और उसके साथ बेक रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। और क्या बताएं, खा तो लिए हैं हम पहले ही। कुलचा, बेबी कुलचा। तो अभी लंच में क्या है, बिरयानी बनने वाला है। कैसा होता है ना होता है तो बताते हैं। तो लोकेशन जो है काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे पूरा बंदोबस्त है, मतलब आप कोई भी आके यहाँ पे पिकनिक या फिर कर सकते हैं। और पूरा जो बंदा बंदोबस्त किया है उसका पूरा जिम्मेदारी इन पे आता है और ये बहुत अच्छी तरह से अपना जिम्मेदारी निभाया। जगन्नाथ दा है, मेरा दोस्त है, भैया का दोस्त है, तो उन्होंने सब अरेंज किया है। बस मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ तो उन्होंने पूरा अरेंज किया है। और ये पूरा जगह काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे मतलब नेचर वाला फीलिंग आता है क्योंकि सामने इसी तरफ जो है वो मतलब रिवर है, इच्छामती रिवर। और यहाँ पे देख ही रहे सारे रैबिट और बहुत सारा एनिमल यहाँ पे छोड़ा हुआ है। यहाँ पे पूरा फार्म है एनिमल का। और ये देखिए रैबिट जो है बहुत दौड़ते हुए आ रहा है। और ये देखिए आजा। और यहाँ पे पूरा मतलब बंदोबस्त है, पूरा एकदम काफ़ी वेल डेकोरेटेड एंड वेल मेंटेन जगह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लोग, ये होटल है, यहाँ पे गेस्ट हाउस है, यहाँ पे रहने के लिए भी लोग आते हैं। और यहाँ पे पूरा मतलब सजा हुआ, सजावट काफ़ी अच्छा है और मैनेजमेंट काफ़ी साफ़ सुथरा। मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है ये, यहाँ आप आ सकते हैं। और ये सब लोग अपने खाना पीना हो गया है अभी, थोड़ा प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे है अभी काफ़ी सारा। यहाँ पे आम का बगीचा है, यहाँ पे आम अभी मतलब होने ही वाला है। छोटा छोटा जो पौधा है आम, ये यहाँ पे फैल गया है बहुत सारा। पूरा सजा हुआ है, ये जो जगह है पूरा सजावट से है। और ये शोविक दा, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा है, पूरा पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा लगा। चलो तो मतलब जो सडन प्लान था तो अभी वो सक्सेसफुल हो गया बिल्कुल और काफ़ी अच्छा। चलो नदी के किनारे थोड़ा घूम के आते हैं, चलो। और ये पूरा जो नया वाला गेस्ट हाउस, ये बन रहा है अभी और ये पुराना वाला गेस्ट हाउस है। और हम लोग एकदम नदी के बिल्कुल किनारे हैं क्योंकि हमारे और नदी के बीच में बस एक रास्ते का अंतर है। और ये काफ़ी एकदम सजावट, पूरा बगीचा जो है पूरा सजा हुआ है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि शहर में जो है काफ़ी सारा भाग दौड़ करने के बाद एक दो दिन मिलता है वीकेंड में आने के लिए। तो ये पूरा एकदम सजा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है नदी है पूरा और यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। जो बीच का हिस्सा दिखा रहा है यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो पूरा चौर हो गया है। और यहाँ से भी आप बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये, लोकेशन काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पे शोभिक भैया भी आ गए हैं हमारे पीछे पीछे, थोड़ा रिक्स लेके, इसको तो तैरना नहीं आता है, फिर भी आ गए हैं।
और बांग्लादेश देखने के लिए जो बेस्ट पार्ट है यहाँ का, जो उस तरफ आप लोग देख सकते हैं वो बांग्लादेश का इलाका है, बांग्लादेश का सातकीरा डिस्ट्रिक्ट में आता है पूरा, जो ये जितना आप देख सकते हैं, मतलब पता नहीं कैमरा आँखों के साथ प्रॉपर जस्टिस कर पा रहा है या नहीं, लेकिन ये जितना आप लोग देख सकते पूरा जो इलाका है, पूरा मतलब यहाँ से पूरा जो दिख रहा है आपको, पूरा बांग्लादेश के अंदर आता है। और ये हमारा नन्हे दोस्त हमारे साथ आगे है, काफ़ी क्यूट है ये दोस्त, और इनके साथ हमारा दोस्ती हो गया है पूरा। अच्छा अच्छा चला चला, और इनके साथ हमारा दोस्ती हो गया है, ये का सिटीजन है, एकदम पूरा मेरे साथ घुल मिल गया है, बहुत अच्छा काफ़ी क्यूट। और यहाँ पे बिरयानी बनते हुए और शोविक भाई कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए, कॉफ़ी को दिखा के चेस बोल रहा है, आदत बिगड़ गया है इधर, एकदम आदत बिगड़ गया है। और यहाँ पे दावत बासमती बनते हुए, चिकन विकन सब रेडी है, अरे बढ़िया इंतजाम है सब। ये भैया हमारा कुक है, ये भी भैया हमारा कुक है, ये देखिए बिरयानी का पूरा मसाला बनते हुए, गूज़ है यहाँ पे, पेड़ पौधा काफ़ी है यहाँ पे, मतलब बरकत का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है, नीम का पेड़ है, नीम का पत्ता कड़वा है मिस्टर। पूरा जो इलाका है पूरा सजावट पूरा सजा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पूरा रैबिटों का झुंड है, और ये एक बेचारा घोंसला ही बनाते चला गया, घोंसला बनाते बनाते नीचे चला गया, और ये एक सो रहा है अभी भी, इसका नींद पता नहीं कब खुलेगा, हम लोग जब चले जाएंगे तब इसका नींद खुलेगा, सुबह से जब से आया हूँ तब से यही पे सोया हुआ है। और यहाँ पे पूरा इधर उधर सब जगह रैबिट बैठे हुए हैं, और यहाँ पे है हंस, लोग जो यहाँ का 7 पॉइंट है वो घूमने जा रहे हैं, पहले क्या जाएंगे पता नहीं है, बस टोटो पे बैठ गए, अरे कहाँ लेके जा रहा है भैया, हमको कुछ नहीं पता, हम गाड़ी बात नहीं है, ठीक है। पीछे सब लोग आ रहे हैं, सामने बहुत सारे लोग चला गया है, तो अभी हम घूमने जा रहे हैं, यहाँ जहाँ पे बस था वहीं पे बस छोड़ के हम लोग सामने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं टाकी का जो पुरातन राजबाड़ी है वहाँ पे, और यहीं से मतलब पुराना जो घर था किला यहीं से था, यहीं पे था, और ये करीबन वहाँ से मतलब 1.5-2 किलोमीटर के करीब है, नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है, मतलब टोटो से भी आ सकते हैं, मतलब पैदल भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैदल भी आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत सारा मतलब पेड़ पौधा लगा हुआ है, और यहाँ पे जो पूरा मतलब व्यूज़ काफ़ी अच्छा है यहाँ का। यहाँ का व्यूज़ काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ से काफ़ी सारा व्यूज़ है यहाँ पे देखने के लिए,